it feels amazing because uh, i'm working in all different languages and with different actors different technicians so it's a very great feeling and i'm feeling so uh, fortunate and so lucky that you know i'm able to work with so talented people and tell us something about your debut in south uh, how yeah. how excited you were for that moment and tarah se you roll up for

और पूरा डार्क करने के बाद द आउटफिट एंड द फुल डी ग्लैमर आई गॉट लिटरली स्केयर टू सी दैट बिकॉज मुझे लगा कि इतना गंदा मुझे दिखा रहे हैं वॉट इज गॉन अज़ वेरी स्केड और जो मेरी टीम मेरे साथ गई थी उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं सो mm -hmm. so, <laughs> पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई लेकिन उसके बाद वेन दे नरेटेड मी एवरी थिंग अबाउट द कैरेक्टर आई फेल दैट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई शुड गो फॉर इट बिकॉज इन

कौन कौन से कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था कि ये इफ इफ इट डजेंट वर्क देन व्हाट विल हैपन यू नो एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आई विल गेट इन फ्यूचर इज इट गोइंग टू बी नेगेटिव इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव सो एक बहुत ही ज़्यादा मिक्सड फीलिंग्स थी लेकिन आई जस्ट फॉलोड माई इंस्टिंक्ट और मुझे ऐसा लगा मुझे ये करना चाहिए बिकॉज आफ्टर आई सेड येस टू द स्क्रिप्ट एंड दे एक्चुअली मेड मी यू नो लिव विद दोज़ पीपल हु एक्चुअली वर्क इन द फार्म्स सॉरी द फॉरेस्ट एंड दोज वेमेन वो सुबह चार बजे उठ के खेतों में जाके दैट रबर टैपिंग दे डू एंड देन दे ईट टूगैदर दे सिट टूगैदर उनके छोटे छोटे घर हाथ से खाना सो दैट वॉज द लाइफ स्टाइल दे यूज़ टू लिव वो डंडा पकड़ के चलना सो आई प्रैक्टिस दैट प्रोसेस फॉर अ वीक एंड आई गॉट इन टू दैट कैरेक्टर एंड टुक मी वेरी लॉन्ग टू गैदर बॉडी लैंग्वेज राइट बिकॉज

जिस तरह लगातार मूवीज आई है आर आर हो गई या फिर केजीएफ हो गई या फिर इतनी सारी मूवीज आती है अलग अलग सब्जेक्ट से साउथ से हो गए या फिर hmm. right. तमिल से हो गए हाउ डू यू सी नाउ द लैंग्वेज बैरियर इज गॉन नाउ नो नो नाउ देर इज लाइक एवरीथिंग इज कमिंग पैन इंडिया इवन हिंदी एक्टर्स आर वर्किंग इन साउथ साउथ एक्टर्स आर कमिंग इन हिंदी सो इट्स ऑल यू नो ऑल वर्किंग टूगेदर इट्स वेरी पॉजिटिव Very nice, and uh, now there is so much OTT content where South actors and Hindi actors are collaborating and they are working together. So, right now, I think good script, good performance is very important, and working with the right people is very important because when you work with the right team, obviously, mm. there is something you know you'll perform better. Mm. The way you perform, you'll perform 100% better than you are. तो लैंग्वेज uh, बैरियर तो है आई नो इट इज देयर बिकॉज थोड़ा सा आपको वही स्क्रिप्ट में काम करना पड़ता है यू कैन ओनली से योर डायलॉग्स विच दे गिव यू यू कॉन्ट इम्प्रोवाइज दिस इज द ओनली ड्रॉबैक उसके अलावा आई डोंट थिंक देर इज एनी ड्रॉबैक टू इट लैंग्वेज बैरियर आपके साथ हुआ कभी स्क्रिप्ट में क्या या फिर uh, वो लोग जब

so uh, I, I'll try my best to learn at least one language. मालिक करियर की शुरुआत जब आपने की थी तब hmm. इस तरह जो ये जो लैंग्वेज बैरियर हो गया या फिर right. पैन इंडिया हो गया या फिर ओ हो गया इस तरह के जो ऑप्शन है जो अवेलेबल नहीं थे जो शुरुआत में जब आप पीछे मुड़ के जब देखते हो hmm. तब करियर की शुरुआत आपने जब की थी तो आपको क्या लगा कि मुझे किस तरह के रोल ऑफर होने चाहिए किस तरह के रोल एक्चुअली uh, जब भी मैं ऑडिशन देती थी आई यूज़ टू ऑडिशन अ लॉट पीपल यूज टू से यू ऑलवेज परफॉर्म लाइक अ किड यू शुड ऑलवेज गो फॉर कॉलेज गोइंग कैरेक्टर्स यू शुड ऑलवेज चूज़ वेरी यू नो यंग बबली काइंड ऑफ रोल्स बट मुझे वैसे रोल uh, अभी एक फिल्म में मिला है इट्स ओ टी टी फिल्म जोरावर दी जैकलिन इन दैट टाइम प्लेइंग अ कॉलेज गोइंग उसके अलावा आई डोंट थिंक आई हैव प्लेड दैट कैरेक्टर इन एनी ऑफ द फिल्म इन साउथ Very different character. In this, I am playing a village girl. In Telugu, I am playing a very girl next door, and she's also doing a fight sequence in the film. So, you know, it's not important that uh, uh, you go for any certain character. The look will change in every character, but you have to adapt the body language.

थिएटर में मुझे बहुत अलग अलग, अलग हमने किरदार निभाए हैं जैसे कि एक प्ले था हमारा आधे अधूरे उसमें मैं बिन्नी का कैरेक्टर कर रही थी जो एक डरी सहमी हुई सी लड़की है पूरे प्ले में वो डरी हुई सी है तो उसके अलावा एक प्ले था जो मैंने किया था वेनिस का सौदा अगर मर्चेंट ऑफ वेनिस यू कॉल इन इंग्लिश तो उसमें आल्सो आई एम प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सो

so yeah. it's very helpful yeah काफी सारे मैं थिएटर आर्टिस्ट को देखता हूं जो अपने हीरो या फिर हीरोइन या आगी। 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 फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म वो जो होते हैं एक जो भी रोल मिला काफी रोल को हम बोलते हैं एक बोलते हैं ना मॉडर्न एक्टिंग करना चाहते हैं या फिर वो रोल में घुस जाते हैं इस तरह की एक्टिंग आप पसंद करते हो या फिर कोई ऐसा रोल जो आपको करने की काफी इच्छा हो हाँ क्योंकि देखिए कोई भी आपको कैरेक्टर मिलता है आपको उसकी डीप स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप उसकी डीप स्टडी नहीं करोगे वो आपकी बॉडी में नहीं आएगा तो मुझे जो मैं अपनी पर्सनल लेवल पे प्रिपरेशन करती हूँ अगर मुझे मान लो मुझे कोई कैरेक्टर मिला है तो मैं उस कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी फिल्म देखती हूँ और बहुत सारा कॉन्टेंट देखती हूँ बिकॉज जितना हम देखते हैं उतना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और उतना ही हम परफॉर्म कर पाते हैं ऑन स्क्रीन सो जितना द मोर यू सी द मोर यू लर्न एंड मोर यू कैन अडॉप्ट इनसाइड यू सो आई ट्राई टू वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू दैट कैरेक्टर इन माय प्रिपरेशन एंड रियली हेल्प्स मी यस मान कभी अपने सोचा है कि रियलिटी शो में जाना चाहिए आपको या फिर कभी ऑफर तो आए आएगी बिकॉज़ yeah. के yeah. Uh, तो आप कभी गए नहीं हो उस ऑफर को काफी बार ठुकराया है मुझे काफी पता है उस बारे में अगर कुछ पता ना चाहोगे उस ऑफर को ठुकराने का कारण क्या होता है ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी शोज भी बहुत अच्छा एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का लेकिन आ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो सही वक्त नहीं है मेरे लिए अभी आ, मुझे आ, अच्छी फिल्म्स करनी है बहुत सारा काम करना है और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारा काम करूँ और हाँ हो सकता है इन फ्यूचर इफ़ आई रियली वांट मैं ज़रूर रियलिटी शो भी करूँगी और मुझे डांस बहुत पसंद है अगर मुझे डांस का कोई अच्छा रियलिटी शो मिला आई वुड लव टू डू पर अगर आप सच बताएं अब तक कितनी बार बिग बॉस का कॉल आया आपको बिग बॉस में जाने आई थिंक टू टू थ्री टाइम्स आई हैव बीन ऑफर्ड बिग बॉस बट आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर इट नाउ मे बी इन फ्यूचर आई वुड लव टू डू दैट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई केम बेस्ट पढ़ना पसंद है बहुत पसंद है किताबे तो uh, मुझे ऐसा लगता है मेरी, uh, मेरी फेवरेट चीज़ है और फेवरेट जब मेरे पास कई जगह जब मैं शूट करती हूँ वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता तो किताबें जो होती हैं वो आपका एक सहारा होता है बहुत बार ऐसी लोकेशन पे मैंने शूट किया है जहाँ पे नेटवर्क नहीं था तो मुझे बहुत टाइम मिला किताबें पढ़ने का और वैसे भी मुझे शायरी करना पसंद है और शायरी की किताबें पढ़ना पसंद है Uh, शायरी सुनना और सुनाना बहुत लोगों को पसंद है तो आई कीप डूइंग दैट व्हिच इज अ थ्री बुक दैट यू ऑलवेज कैरी विद योरसेल्फ एनी एनी थ्री बुक्स एक तो फिक्शन hmm. एक कोई भी सेल्फ हेल्प बुक और तीसरी पोएट्री पोएट्री ओके और अगर तीन बुक अगर कोई जो व्यूअर्स है उनको अगर सजेस्ट करना हो व्हिच इज अ थ्री बुक वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ओके Uh, one for self-help, uh, the power of now, because okay. it it really changes your life perspective. Jo it will teach you how to live in the moment, power of now. And for fiction, I would love to suggest Sydney Sheldon ki uh, uh, Tell Me Your Dreams. Hmm. It's a beautiful script and uh, not script. For, I, I say it as a script. It's a beautiful book and beautiful novel. And uh, when you read it, now you can see characters in front of your eyes. It is such a detailing. Uh, Sydney Sheldon has written in that. And third, uh, I would suggest everyone who is uh, you know.